अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये मेरे से क्लास 7 की, जिसका यूनिट नंबर 12 है, एक्सरसाइज 12.1 है। इसका पार्ट जो है वो हम ए करेंगे, इसका कंप्लीट पार्ट करेंगे। चार क्वेश्चन है इसमें, तो आइए करते हैं कि फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल व्हेन इट्स डायमीटर इज, डायमीटर दिया गया है और सर्कमफेरेंस जो है इसका मालूम करना है सर्कल का, गोल का, ठीक है। तो इसका दो फार्मूले, दो तरीके से किया जाता है। मैं आसान तरीका, जो दोनों फार्मूले बुक में दिए गए हैं, तो एक फार्मूला उसमें इस्तेमाल कर लेता हूं, जिसमें हमसे कह रहा है कि सर्कमफेरेंस तो सी से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा पाई डी, ये पाई की निशानी है और ये डी, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस हो गया हमारा सी, तो इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे, डी की वैल्यू हमें दी गई है 28, तो 7 की टेबल यहाँ पे 28 पे जाएगी। 4 टाइम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 22 से, तो ये हो जाएगा 88 सेंटीमीटर, तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड नंबर में देखें, इसको भी इसी तरह करेंगे, सी इज इक्वल टू पाई डी, पाई की वैल्यू है 22/7 और डी की वैल्यू यहाँ दी गई है 35, तो 7 की टेबल 35 पे 5 टाइम जाएगी, और जब 5 हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, तो ये हो जाएगा 110 सेंटीमीटर, तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ देखें डी इज इक्वल टू 42 मिलीमीटर है, तो यहाँ वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, सी इज इक्वल टू ये पाई एंड डी, तो पाई की वैल्यू है 22/7 एंड डी की वैल्यू यहाँ दी गई है 42, तो 7 की टेबल 42 पे 6 टाइम जाएगी, और 6 मल्टीप्लाई करें इससे, 6 × 12 हासिल 1, 6 × 12 एंड 130, तो ये हो जाएगा सी इज इक्वल टू 132 मिलीमीटर, जो दिया जाएगा यूनिट वही हम लिखेंगे मिलीमीटर। यहाँ पे देखें डी इज इक्वल टू 56 मिलीमीटर है, तो सी इज इक्वल टू ये हो जाएगा पाई एंड डी, तो पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 56, तो 7 की टेबल 56 पे 8 टाइम जा रही है, तो 8 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 16 हासिल 1, 8 × 16 एंड 117, तो ये हो जाएगा 176 मिलीमीटर, तो बस ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये था पार्ट ए जो हमने कंप्लीट किया, पार्ट बी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।